हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल केमिकल गुरु. माय सेल्फ करण सिंह, आईआईटी बीएड सीएसआईआर नेट एआईआर पोर्टी. यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने फिजिक्स फॉर क्लास नाइन्थ ली है और जिसमें हमने चैप्टर नंबर वन लिया है मोशन. तो आज हम मोशन की बात करेंगे. अच्छा, मोशन से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्ट की. तो बताइए रेस्ट क्या होता है, है ना? रेस्ट और मोशन, ठीक है. तो देखो, रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे कोई ये हमारी चेयर रखी हुई है तो ये क्या है, एक रेस्ट में है, ठीक है. यहाँ पर जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं करता, मैं रेस्ट में हूँ. तो हम कहेंगे कि या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मैं इस तरह से इसको रेस्ट को डिफाइन करूंगा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द रेस्ट If it does not change its position with respect to surrounding, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? An object is said to be in rest if it does not change its position with respect to time और हम कह सकते हैं with respect to surrounding. दो में से जो वर्ड आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं with respect to surrounding. तो यहां देख सकते हैं रेस्ट क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसकी पोजीशन, जैसे ये पोजीशन पर है और सराउंडिंग क्या हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी तो क्या हुआ, मोशन हुआ. किसी की भी अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो वहां पर क्या हुआ, मोशन. अगर पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, डज नॉट चेंज, किसी की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो हम कहेंगे दैट इज द रेस्ट. क्लियर हुआ? अब यहीं से हम बात कर लेते हैं, चलो मोशन के साथ में, यहीं से डायरेक्ट डेफिनेशन है मोशन की. क्या कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन. इसको नोट कर लो, मैं इसी में चेंज कर देता हूं. हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन, यहां क्या लगा देंगे, मोशन. तो मैं रेस्ट की जगह मोशन कर देता हूं. अच्छा चलो, मैं अभी रेस्ट समझ लो. यहां से हमने इसी में क्या कर लेंगे कि जैसे मोशन करना है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन, क्या कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज, यहां से नॉट हटा देंगे, इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ अगर किसी की भी, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, किसी पर्सन की पोजीशन चेंज होती है, हम कहेंगे कि दैट इज इन द मोशन. तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो पोजीशन जो है, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में कहलाए. तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक. तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है. द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. तो शॉर्टेस्ट वर्ड याद रखना, जहां डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. डिस्टेंस की बात आएगी तो हम कहेंगे कि इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे कि जो डिस्टेंस है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब बात कर देते हैं कि शॉर्ट में थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं. तो देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है,
और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है दैट हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, क्लियर है? तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसी होती, पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस किसी के द्वारा चली गई है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, है ना, अभी मैं एक एक करके बताता हूं। तो इसके बाद लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है, वो इनिशियल और फ्रॉम द फाइनल पोजीशन से जो हमने पाथ फॉलो किया है उसी पाथ पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ज्यादा थोड़ा सा लेंदी हो रहा हो तो आप इतने 3 पॉइंट्स ही याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें बहुत याद करना पड़ता है, ये हमने छोड़ दिया। एक्चुअली ये पॉइंट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमने ऐसे दिया था, बस ये 3 पॉइंट याद रखो, बहुत है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब एक बात सोचो कि जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड है ए बी सी डी, ठीक है, और इस स्क्वायर फील्ड में अब हमने मान ली कि जो यहां से डिस्टेंस है इसकी, जो ये मान ली हमने कितनी है 10 मीटर, ठीक है, और ये साइज कितना है 10 मीटर है। सोचना कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट हुआ ए से, ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू, ए से बी गया, बी टू सी गया, तो जब कोई पर्सन जो है कोई बॉडी है ए से सी गया तो आप बताइए कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी, ए बॉडी ए से चलना स्टार्ट किया तो ए और ए से बी, बी से सी, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो तो हम यहां लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी फ्रॉम बॉडी इन मूविंग फ्रॉम, इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी मूव किया तो डिस्टेंस कवर की उसने 10 + 10 = 20 meter, समझ गए, 20 meter की डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, और डिस्प्लेसमेंट में हमने एक वर्ड आपसे कहा कि याद रखोगे शॉर्टेस्ट, क्या कर लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बार सोचो कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इधर ना जाकर के हम सीधा अगर यहां से चले जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से अगर मूव करके मैं डायरेक्टली मूव कर दिया हूं सीधा सीधा, तो अगर आपको जाना है इस पॉइंट पर तो आप पहले इधर जाइए फिर इधर जाइए, आप सीधे डायरेक्ट निकल जाइए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ना ये, तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम कहेंगे ए टू सी है ना, ये ए टू सी, इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये ए सी डिस्प्लेसमेंट इस फिगर के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहां पर कितना है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या आपका 20 से कम ही आएगा, ये तो पक्की बात हो गई, निकाल लेते हैं। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका यूज करके हम निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बीसी का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है एबी का स्क्वायर, ठीक है, तो एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर चलो कर दीजिए, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहां से करेंगे एसी का स्क्वायर इक्वल टू 100 + 100, तो यहां से आ जाएगा एसी का स्क्वायर इक्वल टू 200, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एसी इक्वल टू 200 पे अंडर रूट लगा देंगे तो यहां से आ जाएगा एसी, और 200 का अंडर रूट लगा लेंगे कितना आ जाएगा, तो देखो वैसे अगर हम करते हैं तो 200 का 15 कितना होता है, लगभग अगर हम 14 × 14 निकल रहे हैं तो 4 × 16 = 4, 4 × 1 = 5, 2 × 4 = 4 और 1 = 1 है ना,
तो देखो 196 आ रहा 40 का, यानी 40 पॉइंट पर कुछ थोड़ा इसका समथिंग आ जाएगा, ये लगभग हम कह सकते हैं 40.2 के अराउंड आ जाएगा इतने मीटर, तो इससे कम आ गई ना डिस्टेंस। ये थी 20, कहां रहे ये 20 और ये कितनी आई 40.2 मीटर, डिस्टेंस कम हो गई। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अच्छा एक और बात कर लेते हैं दूसरी, चलो एक और ले लें पॉइंट। अगर जैसे मैं बात करूं एक सर्कुलर पॉइंट पे आपने मूव करना स्टार्ट किया, ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में हमने पॉइंट को मान लिया ए, ए से आपने मूव करना स्टार्ट किया, यहां से चलते हुए गए ए से चलते हुए फिर दोबारा ए पर आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, यही तो होगा। तो यहां से जब ए टू ए है ना, ए टू जब ए मूव करेंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर की है, यहां से मूव करने स्टार्ट किया तो इतनी ये पूरी डिस्टेंस को सीधा कर दीजिए तो ये डिस्टेंस जो है इतनी डिस्टेंस कवर की। ये सर्कुलर फॉर्म है तो इसके लिए ए डिस्टेंस हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू ए, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू ए इक्वल टू हो जाएगा 2πr, है ना, ये सर्कमफेरेंस होती है किसी भी सर्कल की। ठीक है तो एक मिनट में देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है, यस इट इज फिलिंग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ मोशन की, यहां से बात कर लेते हैं। ठीक है टाइप्स ऑफ मोशन, वैसे बेसिकली हम देखें जाए मोशन के टू टाइप्स होते हैं, है ना, फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक करके हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं, ठीक है यूनिफॉर्म मोशन, पहले समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या। यूनिफॉर्म मोशन हम कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, और एग्जाम्पल जरा समझते हैं। तो हमने कहा है कि एन ऑब्जेक्ट ए सेट टू बी, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स, इफ इट कवर्स क्या कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस, है ना, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी द यूनिफॉर्म मोशन इट इट मूव्स, एक चीज और लगा दो, इफ इट मूव्स है ना, यहां से कर दो, इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा छूट गया, इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इसका लिख देंगे एंड कवर्स, अब ये सही है, एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है कैन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, देखिए आपको एकदम समझ में आएगा। आप ये बताइए कि आप बाइक चलाते हैं, चलाते हैं बाइक नहीं चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, कुछ भी चलाते हैं। तो मान लो आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया, ये पॉइंट हमारा वो है, और एक तरफ हमने ले लिया टाइम और एक तरफ ले लिया हमने डिस्टेंस, समझना ध्यान से,
यहाँ पर एक इंटरवल ऑफ टाइम हमने वर्ड बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का मतलब है आपने देखा कि यहां से घर से चलना स्टार्ट किया और 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में आपने बाइक चलाते हुए 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया। क्लियर है? 1 आवर में कितनी कवर की? 20 किलोमीटर। बढ़िया, आराम आराम से जा रहे, ठीक है। फिर आपने देखा और आगे पहुंचे तो आपका हो गया 2 आवर। 2 आवर में कितना कर लिया आपने? 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। क्लियर? इसी तरह से और फिर आगे पहुंचे तो 3 आवर हुए और 3 आवर्स में आपने कर ली 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। इसी तरह 4 आवर्स में आपने कर ली 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर और आपने जो है 5 आवर में कर ली 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। राइट? अब देखो आपने क्या किया, आपकी जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स है। यू कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। पहले फर्स्ट 1 आवर में कितनी? 20 किलोमीटर कवर की। सेकंड आवर में कितनी की? तब भी तो 20 ही की, तभी तो 40 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जितनी आपने 1 आवर में, यहां से यहां 1 आवर में कितनी की? 20। तो 1 आवर में आप 20 ही कर रहे हैं, 1 आवर में 20 कर रहे हैं, इसका मतलब 5 आवर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर। तो इट मींस यू कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो ये समझ में आ गया बहुत ही आसानी से। अब मैं देखो इसका प्लॉट बनाता हूं। यहां से अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का प्लॉट बनाने को, ठीक है, प्लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम का आपको प्लॉट ड्रॉ करना है। तो देखो डिस्टेंस और टाइम यहां से, तो हमने ये मान लिया यहां पर टाइम है और ये मान लिया डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस टाइम के साथ साथ जब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है और इक्वल रेशियो में बढ़ रही है, तो इसका हमेशा प्लॉट आएगा स्ट्रेट लाइन। याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो प्लॉट आता है, जो ग्राफ आता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ हमेशा कैसा? स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, प्लॉट बहुत सारे दे दिए जाते हैं कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, तो ये वाला ग्राफ इस टाइप का अगर होगा तो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब यहां से इसको नोट कर लीजिए, इसको जो कुछ भी खींचना फोटो वगैरह खींच लीजिए। अब यहीं पर मैं बात कंटिन्यू कर देता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लूं वीडियो बन रहा है। यस, कंटिन्यू। तो अब मैं बात कर लेता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर लेता हूं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो है सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा कब? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, यहां से लिख देंगे इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस थोड़ा सा ये हमने चेंज कर दिया तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन हो गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि सीधी सी बात है, मैं एग्जाम्पल यहां से लिया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वही है। फर्स्ट 1 आवर में आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर आप चल रहे आराम से, और सेकंड आपका आवर हो गया तब भी आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब थर्ड आवर में आपने देखा कि इतना चलते चलते आपने एक्सीलेटर खींच लिया, बढ़ा दिया आपने 60 ना कर करके आपने जो है यहां पर 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो अनइक्वल डिस्टेंस हो गई। यहां तो आपने 20 किया इस गैप में, इस गैप में आपने कितनी कर दी? 20 ना करके 30 किलोमीटर आपने की थी डिस्टेंस, आपने और ज्यादा खींच दिया। तो आपने यहां पर कर दी जाकर के जो है, अब 90 होनी चाहिए थी, आपने कर दी जाकर के जो है
95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। यहां से पता चला कि आपने जो है सीधा सीधा 150 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टाइम तो इक्वल है 1 आवर 2 आवर, लेकिन डिस्टेंस कैसी कवर कर रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। तो हम कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट सेट टू इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स क्या कहेंगे, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका डिस्टेंस टाइम का प्लॉट देख लो, इसका डिस्टेंस टाइम का प्लॉट ऐसा नहीं आएगा, इसका प्लॉट कैसा जाएगा, इसका प्लॉट इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से प्लॉट आएगा, ठीक है। तो आई होप दैट कि ये आपका मोशन चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।